एकदम चढ़ा तो जा भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। ये जनपद कुशीनगर का खड्डा ब्लॉक में आने वाला गांव सिसवा गोपाल है और इन दिनों यहां पे पिछले दिन की बात करें तो मगरमच्छ के दहशत से गांव वाले भयभीत है। कारण यह भी है, कुछ दिन पूर्व में ये एक युवक जो बड़ी गंडक नदी है उसमें गया था और उसकी जो है मृत्यु हो गई और यही कारण है गाँव के लोग दहशत में है। इस ये हरिओम जायसवाल जी का पोखरा है, इनका निजी पोखरा है और रात में जो है करीब 11 बजे के बाद जो है मगरमच्छ आ गया। उसके बाद तमाम हमारे पीछे देखेंगे तो गांव के लोग तमाशगीर के तौर पे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में एक भय भी है क्योंकि पिछले दिनों एक हफ्ते पूर्व में एक बड़ी घटना हो गई। इनसे जान लेते हैं, अभी वन विभाग की टीम भी रेस्क्यू कर रही थी स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर जो है, और मैं खुद अपने आँखों देखी हाल बताया तो बड़ा विशाल मगरमच्छ है और लगभग उसकी हाइट की बात करें तो 5 से 6 फीट रही होगी और उसकी ताकत की बात करें तो मुझे लगता है आधा दर्जन लोगों के अंदर जितनी ताकत होती है उतनी ताकत अकेले है। लगातार 2 बार यहाँ आया और वापस जो है चला गया, यानी कितना ताकतवर है आप इस तरीके समझ सकते हैं। हरिओम जी से बात करते हैं, कब आपको पता चला कि मगरमच्छ आया? हम सुबह में जब आए मतलब पोखरे पे तो देखे कि वहाँ से नाले से ढुकी हुई है। अच्छा, जब हमको पता चला तो हम फिर से आखिर से पहले देख लें तब टीम को सूचित करें। जब देखिए तो वन विभाग को आपने कब सूचित किया था? लमसम 9 बजे फोन वन विभाग की टीम को पहुंची यहाँ पे आधा घंटा बाद मैंने समय से पहुंच गई। अच्छा, एक बात बताइए, 2 बार यहाँ पे जो है उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया, 8 पे फिर से चली गई अंदर फिर से, यानी काफी जो है ताकतवर है, मजबूत है बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं एक डर भी है आपको? बहुत डर है, मान लीजिए वहाँ पे हमारे गाय रहती है, पिताजी भी सोते हैं, गांव के सटे गांव है पूरा। आपको बता दें ये बीच आबादी में पोखरा एक तरह से कहेंगे, चारों तरफ आप देखेंगे तो इधर एक टावर दिखेगा, पीछे देखेंगे रणजीत दिखाइए एक बार पहन करके, एक घनी आबादी है, ऐसी जगह है तो कहीं ना कहीं एक डर है गाँव के लोगों में, दहशत है, बहुत ज्यादा दहशत है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अभी जो है वन विभाग की टीम क्या कर रही है, अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी जैसे फिर से अंदर चली गई है। अच्छा, फिर जाल जाते हैं लेकर आ रहे हैं हम लोग, संख्या बढ़ा के आएंगे तो फिर से रिक्वेस्ट किया जाएगा। ओके, यानी ये जाल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। कमजोर पड़ रहा है। अच्छा, ये किसी मछुआरे का जाल? जी। अच्छा, किसी मछुआरे का जाल है और कहीं ना कहीं ये जाल कमजोर पड़ गया है। यही कारण भी रहा है कि 6 लोग लगातार, आप विजुअल में आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा, 6 लोग, 3 लोग लेफ्ट साइड में और 3 लोग राइट साइड में कंटिन्यू जो है उसको घेरते हुए लेके आ रहे थे और यहाँ पे आने के बाद भी जो है वो वापस जो है पोखरे में चला जा रहा मगरमच्छ, तो कितना खतरनाक है। और लोगों के मन में दहशत का एक बड़ा सवाल है कि पिछले दिन एक युवक की मौत हो गई थी जो जनपद कुशीनगर का रहने वाला था, तो यही कारण है कि लोग दहशत में है। और अभी वन विभाग की टीम एक्टिव तो है लेकिन अब देखिए सफलता कम मिलती है, गांव के लोग तमाशगीर बने हैं लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी वक्त पे एक बड़ी घटनाएं भी हो जाती है, लोग देखने के लिए जो है बेचैन हो जाते हैं, प्रशासन को चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है और ऐसे जगह बड़ी घटनाएं भी घट सकती है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन जो है, प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो पूरी चाक चौबंद है। गाँव वाले रिपोर्टर जनपद कुशीनगर के ये सिसवा गोपाल गाँव में पहुँचे थे और अभी तक का अपडेट है कि अभी मगरमच्छ अभी लोगों के गिरफ्त से बाहर है। कारण यह भी है कि वो बहुत विशाल है, बहुत ताकतवर है। अब वन विभाग की टीम दूसरी अपनी जाल लेकर आएगी, उसके बाद जो है फिर रेस्क्यू किया जाएगा और फिर जो है उसको लेके फिर वन विभाग टीम को सौंपा जाएगा। आगे क्या अपडेट होगा, गांव वाले रिपोर्टर आपको। Oh,
अबे भाई क्या।